क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक गाय तथा एक भैंस 7500 रुपये में खरीदी। उसने गाय को 10% लाभ पर तथा भैंस को 20% लाभ पर बेचा। उसे कुल लाभ 16% का हुआ, तो गाय का क्रय मूल्य क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे गाय और एक तरफ लिखेंगे हम भैंस। तो कह रहा है गाय को 10% लाभ पर, तो +10%, राइट। और भैंस को 20% लाभ पर बेचा, तो +20%। लाभ हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, हानि हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, राइट। और कह रहा है कि उसे कुल लाभ 16% का हुआ। जो कुल होता है, टोटल होता है, उसे हम कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं, राइट। और एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं? तिरछा घटाते हैं। यानी कि 20% में से 16% जाएगा, तो क्या बचेगा? 20 - 16 = 4, राइट। और इधर से घटाएंगे, इधर 16 बड़ा है, तो 16 - 10 = 6%, 6। तो इसको काट देंगे, 2 × 4 = 2, 3 = 6। और ये क्या होते हैं? ये रेशियो में होते हैं। तो 2:3 हमारा क्या आ गया? अनुपात आ गया, राइट। क्या करा हमने? गाय का लिखा, गाय का 10% लाभ पर बेचा है, भैंस को 20% लाभ पर बेचा है, तो +10% लिखा, और लाभ में बेचा तो +20% लिखा। टोटल कह रहा है 16, तो उसे बीच में लिख लिया। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं? तिरछा घटाते हैं। तो जो बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 - 16 करा तो 4 आ गया। यहाँ पर 16 बड़ा है, तो 16 में से 10 घटाया तो क्या आया? 6 आया। अब इन दोनों को रेशियो में है, तो हमने इसको काट लिया, 2 × 4 = 2, 3 = 6, तो 2:3 का रेशियो हमारे पास आ गया। अब वो कह रहा है कि गाय का क्रय मूल्य हमारा बताइए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल हमें क्रय मूल्य दिया है, वही रेशियो मेथड लगाएंगे। जो दिया है हमें क्रय मूल्य दिया है 7500 रुपये, और ये क्या है हमारा? क्रय मूल्य। जो टोटल क्रय मूल्य है, तो हम इसके टोटल से इसको भाग दे देंगे, जो दिया है उससे भाग। यानी कि 2 + 3 हमारा क्या हो जाएगा? 5। तो इस 5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और पूछा हमसे किससे है, किसका है? गाय का पूछा है। गाय का क्रय मूल्य हमारा कितना है? 2 है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 0, 0, तो ये आ जाएगा हमारा 1500 × 2, यानी कि आ जाएगा हमारा 0, 0, 15 × 30, यानी कि 3000 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।